वैसे आखिरी में जो अनरियल इंजन का मैंने आपको बताया, तो एक एआई टूल है जिसका नाम है अगली वीडियो के लिए छोड़ दिया। तो हम आ गए और ना केवल इन टूल्स की मदद से हम फेसलेस चैनल बनाएंगे, बल्कि इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए लाखों रुपए लगते हैं। वो काम हम फ्री में करेंगे, नियर टू फ्री में। क्या बात? देखो, एक YouTube चैनल के लिए तीन चीजें चाहिए, स्क्रिप्ट, कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीजें हो गई तो बेटे की मौज हो गई। बेटे, देखो भाई, हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हम नहीं चाहते आपके पैसे वेस्ट हों, और आपने जो पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले टूल की तरफ बढ़े तो मैं दिमाग हूँ। कौन कह रहा है कि मैं AI की तरह काम नहीं कर सकता? स्क्रिप्ट के लिए हमारे दिमाग से बेहतर और कोई टूल नहीं हो सकता। अब बताओ, AI स्क्रिप्ट में ये चीजें लिख के देता? ये तीन चीजें हो गई तो बेटे की मौज हो गई। बेटे, लेकिन स्क्रिप्ट बनाने में जो चीज लगती है उसके लिए हम AI का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिसर्च। जितनी आपकी अच्छी रिसर्च होगी उतना आसान होगा आपको स्क्रिप्ट बनाना और एक स्टोरी बनाना। हाँ, स्क्रिप्ट के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं AI टूल्स की मदद से, जैसे विडाइक्यू हो गया, ChatGPT हो गया, लेकिन इससे बेहतर वो दोनों ही नहीं बना सकते। लेकिन रिसर्च के लिए Genie.io का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा होगा। Genie.io 2021 का बेस्ट AI टूल था। यहाँ तक कि रियल AI पावर को अगर देखना है तो इस टूल को बोला जाता था। वाई कॉम्बिनेटर से ये बैक्ड अप है और प्रोडक्ट हंट के पेज पे ये हमेशा टॉप पे रहता है। और क्यों ना हो भाई, 98% आपका रिसर्च टाइम कम हो जाता है। लेकिन ये बनाया तो स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन उसके साथ साथ आज कंटेंट क्रिएटर्स भी इसका यूज करते हैं। 14 दिन का फ्री ट्रायल जो मिल जाता है। तो इसका यूज कैसे करें? Step 1, Genie.io पे जाओ। Step 2, तो हमें इस चीज को रिसर्च करना है, तो लिंक लेके आए, हमने यहाँ पर पेस्ट किया। अगर कोई PDF है आपके टॉपिक के रिलेटेड तो उसको भी अपलोड कर दो, और बूम, आपकी रिसर्च खत्म। टॉपिक की समरी तैयार, चेक। इनसाइट्स तैयार, चेक। कीवर्ड्स तैयार, चेक। सब्सक्राइब के लिए उंगली तैयार, चेक। इस टूल को पर्सनली हमने 3 वीडियोस में इस्तेमाल किया, और तीनों वीडियोस में हमें अच्छी रिसर्च देखने को मिली इस टूल के द्वारा। इसका बेसिक प्लान 5 यूरोस का है, और अगर आपको प्रो वर्जन लेना है तो आपको 15 यूरोस लगेंगे। लेकिन फ्री ट्रायल मौजूद है यहाँ पर, और हम लोग तो है ही बड़े समझदार, हमें पता है कि फ्री ट्रायल्स का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर ले लोगे तो अच्छा होगा। लेकिन बात आती है कंटेंट की। स्क्रिप्ट हो गई, रिसर्च हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए अपनी सुंदर शक्ल नहीं दिखानी तो ऐसे कैसे चलेगा? और एडिटिंग का क्या होगा? कुछ नहीं, अब कैमरा उठाओ, रिकॉर्डिंग का बटन दबाओ, और जो स्क्रिप्ट बनाई है उसके हिसाब से एक स्टोरी बनाना चालू करो। याद रखना, अगर आप फेसलेस यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी उतने आप झंडे गाड़ोगे, उतना ही ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट कर पाएगी। हो सके तो लोकेशंस पे जाके शूट कर लो या स्टूडियोज में रिकॉर्ड कर लो। जितनी अच्छी स्टोरी बता सकते हो उतने अच्छे तरीके से बता दो। To Venezuela's border crisis and get millions of views. लेकिन हम तो फेसलेस यूट्यूब चैनल बना रहे हैं ना। अच्छा, तो ये लो। वंडर डायनेमिक्स एक ऐसा टूल है जो एक क्लिक में VFX आर्टिस्ट को खत्म कर देता है, और इसे मैं रियल वर्ल्ड में यूज करने वाला हूँ, तो आगे देखते रहना। लाइटिंग से लेकर मोशन तक, फेस एक्सप्रेशन से लेकर दो अलग अलग इंसानों का सेम टाइम पे VFX करके दे देगा ये एक क्लिक में। आओ इसे रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं। यार, बाहर तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश आ रही थी और व्लॉग में करता नहीं, लेकिन फिर भी आओ एग्जाम्पल देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव चूतिए व्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब का एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ एक मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो, वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं। तुम लोग, आई एम द बेस्ट, मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। ये है रियल वीडियो बिना वंडर डायनेमिक्स के। अब हम चलते हैं सीधा वंडर डायनेमिक्स के डैशबोर्ड की तरफ, और सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो भी आप वीडियो में VFX डालना चाहते हैं। हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, टाइमलाइन पे लेके आए। अब अपना कैरेक्टर चूज कीजिए, यहाँ पर आपको ढेर सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक प्लान में 6 ही कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। अपना भाई जादू मिल गया, ये अंकल है, वॉली है, और हमारे बाकी भाई बंधु भी हैं। बस फिर क्या, कैरेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, और जिस क्वालिटी में वीडियो चाहिए उसको सिलेक्ट करके स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दो, और प्रोसेस स्टार्ट। वैसे $20 का यहाँ पर बेसिक प्लान है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी ये ऑफर है, बट अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो।
इसीलिए मैंने कहा था। वैसे आखिरी में जो अनरियल इंजन का मैंने आपको बताया, और आपको अगर पैसे खर्च करने में कोई ऐसा बर्डन नहीं है तो एक AI टूल है। वैसे इसी से मिलता जुलता एक और टूल मार्केट में आया जिसका इस्तेमाल कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, वो है केबर AI। उसके अलावा मैंने और AI बताए हैं जो आप कंटेंट क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। फेसलेस चैनल अगर बनाना हो तो वो आई बटन पे मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में जाओगे तो एक और चीज मिल जाएगी। अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब नहीं, अलग अलग तरीकों से अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं और नई ऑडियंस को बनाएं। इसके लिए लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपनी वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडियाज पर डालते हैं, न्यूज़लेटर्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं ताकि उसकी रीच बढ़ सके, और उसके लिए एक डेडिकेटेड बंदा रखना पड़ता है। मजा नहीं आता। और याद रखिए, न्यूज़लेटर्स और वेबसाइट्स को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मोहक मंगल और LLA टीम्स ने इसे बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है और उसे मोनेटाइज कर रखा है। तो इस टूल का नाम है YT Copycat। एक ऐसा टूल जब हमने इसे यूज किया तो भाई फैन हो गया यार। इसने मेरे वीडियो को ट्विटर के थ्रेड, ब्लॉग और न्यूज़लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया एक क्लिक में GPT-4 के इस्तेमाल से। और हैरानी तो मुझे तब हुई जब मैंने अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट किया और न्यूज़लेटर्स के अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट स्टोरी बना के देता है ये, ताकि जो वीडियो में समझाया गया है इसने एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई और न्यूज़लेटर में डाल दी, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो मेरी वीडियो में था। बस अपनी वीडियो का लिंक लो, यहाँ पेस्ट करो, कौन सी टोन में आपको ब्लॉग या न्यूज़लेटर चाहिए वो लिखो, इन्फॉर्मेटिव चाहिए या एंटरटेनिंग चाहिए वो बता दो, और ऐसे ही बहुत से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से आप सीधा अपलोड भी कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर। अरे यार, लेकिन आपको याद है कि नहीं, लेफ्ट वाली वीडियो में और AI टूल्स देखने को मिल जाएंगे, और राइट वाली वीडियो में सबसे यूनिक YouTube फेसलेस चैनल आइडियाज जो किसी ने बताया वो मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।